Community health workers are the backbone of India's public health system. They are the first and often only link to healthcare for millions of people in our country. मैं सीनियर हेल्थ वर्कर के रूप में काम करती हूँ. 5 पंचायत में काम करते हैं हम. परिवार नियोजन के बारे में बताते हैं और हम स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं. कमजोर बच्चा है उसको जुड़ाव करते हैं, टीबी का फॉलोअप करते हैं. मैं फील्ड में काम करती हूँ. मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम कर पा रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि महिला को अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता होता. उनको वो जागरूकता नहीं होती कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं. जब वो लोग ठीक होके स्माइल करते हुए आते हैं और यहाँ पर बैठ के जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है. तारीफ़ करते हैं ना, तो वो तारीफ़ सुन के इतना अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो किया है. On many occasions, the government of India has expressed heartfelt appreciation to community health workers for their immense selfless contribution to public health in India. परिवार की नींव महिलाएं, मतलब महिला जागरूक होगी, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगी, तो मतलब कोई उसका क्राइटेरिया फिक्स करेगा, इस दायरे में नहीं रहेगी और अपने निर्णय खुद ले सकेगी. They often face many challenges. These challenges are more pronounced and multi-layered for women community health workers. मैं मतलब घर का काम करती थी. 3-4 साल मैंने घर का काम किया, तो फिर मुझे लगा कि मैंने भी कुछ पढ़ाई की है तो मैं भी थोड़ा कुछ काम करना चाहती हूँ आगे. जैसे फील्ड में मैं जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. हर तरह के लोग हमसे मिलते हैं, तो हमें किस समय किस परिस्थिति में किससे कैसे डील करना है ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है. पहले हमको शर्म आती थी, तो घर से बाहर निकले तो सीखना भी मिला है. तो शर्म भी जिनसे बात करते और औरत से भी बात करते. अपने खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए हर औरत को, तभी उसका अस्तित्व बन पाएगा. तो उसके लिए औरत को आगे आना ही पड़ेगा. एक महिला को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सबसे पहली परेशानी तो उनके सामने ये रहती है कि वो पढ़ी लिखी होती हैं लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते. क्यों? क्योंकि हमारे समाज के जो पुरुष हैं वो उनको अपने आप से आगे बढ़ने नहीं देना चाहते. हर इंसान का अपना जीवन है, उसको जीने का अधिकार है, तो औरतों को क्यों नहीं है. To prepare for future health challenges, there is a need to develop and elevate more community women leaders and provide them with the right support, mentorship, network and capacity building tools. वुमेंस को भी मुझे लगता है कि उनको भी पावर देनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सकें, अपनी बात को कह सकें. उनको गाइडेंस, उनको स्किल्स देके, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स देके उनको एम्पावर करना चाहिए ताकि वो आने वाले टाइम पर एज अ लीडर वो आगे आ सके. महिला को लीडर इसलिए बनना चाहिए क्योंकि महिला का हक है, तो महिला को मतलब आगे बढ़ना जरूरी है. Every day, these millions of anonymous women community health workers show tremendous strength, commitment, and compassion while carrying out many life-saving interventions. There is no limit to what women community leaders can accomplish in public health. Let's equip them with the right support, guidance, and capacity-building tools. मुझे और बेहतर करने की जरूरत है और मैं और बेहतर करना चाहती हूँ.